एक कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे, 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए, और तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सज्जन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी, इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब दलितों का वंचितों का पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।